पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि संबंधी तमाम नई नई जानकारियां, ताकि आप इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने आए देश भर के किसानों को संबोधित किया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान है। किसान के पसीने की बूंद जब खेत में गिरती है, तभी 140 करोड़ लोगों के पेट की आग बुझती है। और आज तो हम सबका सौभाग्य है कि हमारे किसानों ने इतना परिश्रम किया, इतना नवाचार किया, उसके परिणाम स्वरूप हमारा उत्पादन बेतहाशा बढ़ा है। खाद्यान्न उत्पादन में भी हम बहुत आगे हैं, बागवानी के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, पशुपालन में, मत्स्य पालन में, हर चीज़ में भारत की भूमिका आज अग्रणी है। और हम सब लोगों को इस बात का गौरव भी है कि एक समय था जब भारत खाने पीने की चीज़ों को मांगने वाला देश हुआ करता था। आज भारत दुनिया को खिलाने वाला देश बन गया है। इसके लिए निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको एक दो अनुरोध करना चाहता हूं। कृषि का हमारा क्षेत्र हमेशा चुनौतियों से भरा रहता है। सारी चीज़ें अनुकूल हों और अगर मौसम की प्रतिकूलता हो जाए तो भी किसान को नुकसान हो जाता है। यद्यपि इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं और लगातार इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि सरकारी खजाने का पैसा कैसे किसानों तक पहुँचे। और इस दृष्टि से आप सबको मालूम है 13-14 में कृषि विभाग का बजट 23,000 करोड़ रुपया होता था। आज प्रधानमंत्री जी ने 5 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपया किया है और इसका फायदा देश भर के किसानों को मिल रहा है। देश में किसानों ने कभी मांग नहीं की थी कि उनकी आय में सीधी सहायता दी जानी चाहिए, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कही तो उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई और हर किसान को आज 6,000 रुपया 3 किस्तों में सम्मान निधि के माध्यम से पहुंचता है। और मुझे बताते हुए गौरव है कि अभी तक लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा कराए जा चुके हैं। आप सबको ध्यान है कि एक समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसे ही किसान तक पहुंच पाते हैं,
लेकिन आज हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि अगर दिल्ली से मोदी जी बटन दबाकर 6000 रुपया भेजते हैं तो 6000 रुपया किसान के खाते में जमा होता है। ना कोई दलाल है, ना कोई कमीशन एजेंट है, ना किसान को चक्कर लगाने की जरूरत पड़ती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गारवी गुजरात भवन में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इस अवसर पर देश भर से विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने पहुंचे मत्स्य पालकों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने संबोधन में, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं देश के पशुधन के टीकाकरण को लेकर उनका तुलना कोरोना वैक्सीन के साथ करके इस विभाग के इस कार्य की लिए बहुत ही उम्मीद जगाने वाला विषय आज लाल किले की प्राचीर से हुआ, जिससे एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से संदेश में गई कि देशवासियों की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी कदम उठा रहे हैं, उतनी ही तत्परता से देश के पशुधन की सुरक्षा के लिए भी कार्य हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा संदेश देश के पशुपालन क्षेत्र के लिए गया। मत्स्य पालन क्षेत्र का भी जिक्र हुआ। इस विभाग को स्वतंत्र विभाग बनाने की उनकी मनोकामना क्या थी, उनके बारे में जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री जी की सोच ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत करने की, किसानों को मजबूत करने की जो नीति उनकी थी, उसी को धरती पर उतारने के लिए इन मंत्रालयों को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया गया। और फिर उसी काम के साथ जुड़े हुए पशुपालक और मछुआरे समाज को मजबूती देने हेतु कई योजनाएं और कई नीतियां अमल में लाने का प्रयास किया है। हमारे एफपीओ को एक साल हो गई, लगभग एक साल के अंदर अंदर हमारे एफपीओ ने लगभग 40 लाख का टर्नओवर किया और 32 प्रोडक्ट हमारे जो खाद्य प्रोडक्ट हैं, जैविक और खाद्य शुद्धता के प्रतीक हैं, इसमें सरसों का तेल है, अचार, गुड़, खांड, शक्कर, जैम, जेली, मुरब्बा, शुद्ध हल्दी है, जो धूम मचा रहे देश विदेश में भी। और ये कार्यक्रम जो आज प्रधानमंत्री जी ने, किसान कल्याण मंत्रालय ने किया, बड़ा अच्छा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। इससे पहले इस तरह का कार्यक्रम कोई हुआ भी नहीं। इसमें हमारे सभी एफपीओ, जितने भी एफपीओ हैं भारत के, सब मिल गए आपस में, अनेकता में एकता इस कार्यक्रम में दिखाई दी। जम्मू कश्मीर से भी मिले और नागालैंड के भी मिले, उनके अलग प्रोडक्ट हैं, हमारे अलग प्रोडक्ट हैं। इसका मेन मीनू भी यही है, हमारे प्रोडक्ट उधर जाएं, उधर के हमारे पास आएं, तो पूरे भारत में घूम जाएं, जनता को भी सस्ता मिलेगा और किसानों को भी अच्छा मिलेगा। बेस्ट ऑन द बिफोर, इससे पहले नहीं हुआ, ये इस तरह का होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो हमारे एफपीओ का एक मेन मीनू है वो आज सार्थक हो गया, सभी किसानों का आपस में परिचय हो गया और सभी जो एफपीओ यहाँ हमें मिले, एक दूसरे से बात की, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर गया, एक जनपद से अनेक उत्पाद और एक उत्पाद से अनेक जनपद का मिलन हुआ। तो हम, मैं समझता हूँ इस तरह के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा हों, जिससे सभी एफपीओ में सभी उत्पाद हों, चाहे वो कश्मीर का तेल हो या शहद हो, कोई भी हो, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, हमारा एफपीओ आप की सेवा में तत्पर है। प्रधानमंत्री जी ने जब नए 10,000 एफपीओ की घोषणा की थी, उस समय देश का प्रथम एफपीओ बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। और एफपीओ बनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे किसानों को ये मिला कि पहले जो संगठित किसान नहीं थे, अब वो संगठित हो गए और संगठित होकर एक ODOP योजना के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत एक तरह के उत्पाद में डील कर रहे हैं, जिससे कि उनके उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिनकी प्रोसेसिंग हो सके, मार्केटिंग हो सके। हम लोगों ने अपने यहाँ अपना प्रोसेसिंग सेंटर, अपना पैकेजिंग सेंटर और इवन हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाई जब इस तरह की अच्छी गवर्नेंस और अच्छे अधिकारियों का हमको सपोर्ट मिला। जैसे कि हमने हॉर्टिकल्चर से अपना एफपीओ बनाया, उसके बाद NCDC द्वारा हमारा एफपीओ को जोड़ा गया, SFEC से भी हमको काफ़ी मदद मिली। इवन जो हमारे ज़िले में हमारे CDO साहब, हमारे DM साहब, ये लोग भी इस तरह से हम लोगों को प्रोत्साहित किए कि 2 साल के अंदर, ये जो कि किसानों का अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो कोई टर्नओवर नहीं था, लेकिन पिछले साल 70 लाख का टर्नओवर और इस साल 1.5 करोड़ का टर्नओवर हो पाया। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक लिया, कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन।
किसान भाइयों गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर रास को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ कभी मुनासिब बीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बना लो मिट्टी की सेहत तो जानो बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की किसान भाइयों गांठ बांध लो आज ही मिट्टी की जांच कराएं राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष को हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तौर पर मना रहे हैं। इसके पीछे मकसद ये है कि पूरी दुनिया को ये पता लगे कि मिलेट कैसे हमारे सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी हैं और भारत इसके लिए एक मिलेट हब के तौर पर आगे बढ़ सकता है और पूरी दुनिया के लिए वो मिलेट सप्लाई कर सकता है। किस तरीके से मिलेट के क्षेत्र में काम किया जा रहा है और कैसे कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं आइए जानते हैं। खाद्यान्न संकट के गहराने की आशंका ने दुनिया भर के देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। बढ़ती आबादी का बोझ, निरंतर बदलते मौसम और खेती किसानी में बढ़ती लागत के बीच फायदे की खेती के विकल्प पर मिलेट की खेती अपनी जगह बना रही है। पोषक अनाज यानी मिलेट्स की खेती कोई नई नहीं है। आजादी के एक दशक बाद तक देश की बड़ी आबादी मिलेट खाद्यान्न पर ही निर्भर थी, लेकिन हरित क्रांति की आंधी से गेहूं और चावल के उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन मिलेट का रकबा धीरे धीरे कम होता चला गया। लेकिन बीते एक दशक से एक बार फिर मिलेट ने खेतों को हरा भरा किया है। हम पहले क्या है, देसी बाजरे की खेती करते थे, उसमें हमारे को 100 से 110 दिन का फसल में तैयार होने में टाइम लगता था। फिर हमने अभी 6-7 साल से हाइब्रिड बाजरे की खेती करना शुरू किया, उसमें क्या है हमारे को 75 से 80 दिन का समय लगता है और अच्छी उपज तैयार होती है और इसकी मार्केट में वैल्यू भी बढ़िया मिलती है, इसलिए हमने इसका खेती का रकबा ज़्यादा बढ़ा दिया। कम मेहनत और लंबे समय तक खराब न होने की खासियत मिलेट की फसलों के दायरे को अब और बढ़ा रही है। इसके अलावा पूरी दुनिया में एक बड़ी आबादी के खान पान की शैली में भी बदलाव आया है और मिलेट ने थाली में अपनी ज्यादा जगह बनाई है, जिसकी एक बड़ी वजह मिलेट की पोषक गुणवत्ता को भी माना जा रहा है। साल 1960 में मिलेट का चावल एवं अन्य फसलों से ज्यादा उत्पादन था, लेकिन साल 2021 आते आते मिलेट के उत्पादन के मुकाबले चावल एवं अन्य फसलों ने इसे कम कर दिया। लेकिन मिलेट की मांग बढ़ाने के लिए सरकार ने इसे साल 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल कर लिया और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने का फैसला किया है। पूरी दुनिया में मिलेट को भारत और अफ्रीका की फसल कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ही जगहों में प्राचीन काल से ही मिलेट की खेती हो रही है। अकेले भारत में 10 तरह के मिलेट का उत्पादन होता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी यानी मंडवा, रामदाना, कुट्टू, कंगनी, कोदो, सावा, कुटकी, चीना यानी ब्रोसो आदि शामिल हैं। चावल, गेहूं और मक्के के बाद मिलेट में बाजरा और ज्वार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसलों में शामिल हैं। यही वजह है कि भारत मिलेट का एक प्रमुख उत्पादक है। खास बात यह है कि भारत की हिस्सेदारी एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% की है। फिलहाल भारत में मिलेट की औसत उपज 1268 किलो प्रति हेक्टेयर है, जो वैश्विक औसत उपज 1211 किलो प्रति हेक्टेयर से अधिक है। सरकार द्वारा मिलेट के समग्र विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत
पौष्टिक अनाज विकास कार्यक्रम है, जिसमें बीज से लेकर के और प्रोसेसिंग तक की जो भी आदान की आवश्यकता होती है उस पर सहायता दी जा रही है किसानों को। मिलेट जो है पोषण मिशन अभियान के तहत शामिल किया गया है। मिलेट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी 13 राज्यों के 21 जिले चिन्हित किए गए हैं, जिसमें मिलेट एज ए फोकल प्रोडक्ट के रूप में चिन्हित किया गया है। इसी तरह बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 25 सीड हब्स की स्थापना की गई है। मिलेट में वैल्यू एडिशन करने के लिए भारत में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, जिसमें से एक हैदराबाद, दूसरा बेंगलोर और तीसरा हिसार के अंदर स्थापित किए गए हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, वो मिल के भागीदारी करके वो कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भारत सरकार द्वारा FPO बनाए जा रहे हैं। उसमें अभी तक 50 FPO जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत अभी तक बनाए जा चुके हैं। हमारे देश में उगाई जाने वाली प्रमुख मिलेट फसलें और उनके उत्पादन की हिस्सेदारी प्रतिशत को देखें तो पर्ल मिलेट यानी बाजरे की हिस्सेदारी 61% है, ज्वार की हिस्सेदारी 27% और फिंगर मिलेट यानी रागी की हिस्सेदारी 10% है। भारत का राजस्थान प्रदेश मिलेट उत्पादन में सबसे आगे है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। बाजरा के उत्पादन में भी राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है, वहीं ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। देश के कुछ राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में फिंगर मिलेट यानी रागी का उत्पादन होता है। स्मॉल मिलेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का नंबर आता है। साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किए जाने के बाद मिलेट्स को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है, ताकि मिलेट्स का न सिर्फ उत्पादन बढ़े बल्कि वैश्विक खपत और निर्यात में भी बढ़ोतरी हो। मिलेट के उत्पादों की ब्रांडिंग पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है और रणनीति पर केंद्रित कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने कई मंत्रालयों को जिम्मेदारी सौंपी है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति भी गठित की गई है। सरकार ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर के 7 सूत्र यानी 7 विषय विकसित किए हैं, जिन्हें संबंधित मंत्रालयों द्वारा लागू किया जाएगा। जैसे उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए कृषि मंत्रालय काम करेगा, मिलेट से पोषण और स्वास्थ्य लाभ को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय काम करेगा, वही मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और पकाने की विधि के विकास पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग काम करेगा। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के लिए वाणिज्य और विदेश मंत्रालय काम करेगा और मिलेट को मुख्य धारा में लाने के बारे में नीतिगत कदम उठाने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग काम करेगा, जबकि ब्रांडिंग, लेबलिंग और प्रचार का काम सभी मंत्रालय मिलकर करेंगे। The Center of Excellence established at ICAR-IMR has built up the value chain development and these technologies are now become a rich repository for backstopping various startups. Now about 500 startups have established and we are handholding them through NutriHub technology business incubator and taking them forward for the export market. In fact, they have been last mile connectivity to the ultimate consumers so that the demand creation can happen. एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 500 से अधिक स्टार्टअप बाजार मूल्य श्रृंखला में काम कर रहे हैं। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च ने 250 स्टार्टअप्स को साथ लिया है। यही नहीं, 66 से अधिक स्टार्टअप्स को 6.2 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं, जबकि लगभग 25 स्टार्टअप्स को आगे फाइनेंस के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। Initially incubated at IIMR had taken great technology from them and then we started selling millet chickies initially in the schools and then in the kirana stores. So we right now sell about roughly 20 lakh millet chickies per day. Millet के प्रति सरकार और लोगों के बीच ये जागरूकता एक लंबा सफर तय करने वाली है। जाहिर है आने वाले वक्त में हरित क्रांति की तरह ही इस देश और दुनिया में मिलेट क्रांति का आगाज तय है। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है।
इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर आप किसानों के लिए तैयार की गई हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की एक ऐसी ही योजना पर। राष्ट्रीय बांस मिशन, जी हाँ, इसके माध्यम से हमारी सरकार बांस की खेती को प्रोत्साहित कर रही है और किसानों तक अनुदान पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा प्रयास ये भी किया जा रहा है कि बांस से जुड़े हुए स्टार्टअप भी सामने आए ताकि रोजगार के भी नए अवसर पैदा हो। कैसे युवाओं को भी इससे लाभ हो सकता है, आइए जानते हैं इस पूरे मिशन के बारे में विस्तार से। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बेम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जय पाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी
सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं, आशा करते हैं कि उससे हमारे किसानों को अवश्य लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कोई सवाल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, पत्र लिखने के लिए पता नोट कर लें, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आप ज़रूर लाभ लेंगे और खेती किसानी में विकास के नए पथ पर आगे निकलेंगे। इसी के साथ चलते चलते एक जानकारी आपको ये भी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ आप किसान भाई बहनों से फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।